गुड मॉर्निंग एंड सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज जुमे का दिन है और मेरी तरफ़ से सब लोगों को जुमा मुबारक। अपने लिए भी दुआ करें और बाकी दूसरों अपने प्यारों के लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि जुमे वाले दिन सिर्फ जुमे की तैयारी और कोई काम नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ जुमे की तैयारी। जुमे वाले दिन और कोई काम मैं तो नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जुमे का दिन ईद का दिन है एक तरह। तो इस दिन दुरूद पाक पढ़ना चाहिए और अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, फजूलियात वाले काम नहीं करने चाहिए जुमे वाले दिन। तो वैसे भी नहीं करने चाहिए, लेकिन जुमे वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। मैं इस विंडो के आगे वीडियो इस वजह से बनाता हूँ, एक तो ये हमारी छत है, छत के ऊपर जो है ना सूरज के नीचे रिज़ल्ट थोड़ा सा अच्छा आता है, बेहतर आता है। एडिटिंग जो है वो मैं अभी मोबाइल पे ही करता हूँ, इस वजह से जिस तरह से क्वालिटी इसकी आनी चाहिए ना उस तरह से क्वालिटी नहीं आती। एक तो वजह यह है वीडियो बनाने के ऊपर आके, और दूसरी वजह यह है कि नीचे जो फिर सब लोग मौजूद होते हैं घर वाले, शोर होता है, किसी की आवाज़ आ रही, किसी की आवाज़ आ रही, इस वजह से मैं आराम से वहाँ पर ना वीडियो नहीं बना सकता। तो फिर जो भी कुछ सेकेंड्स का क्लिप वगैरह बनाना हो तो फिर मैं यहाँ पर ऊपर आके आराम से बना लेता हूँ। यहाँ पर रिज़ल्ट भी अच्छा आता है, आवाज़ भी अच्छी आती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, जो लोग जन्नत में जाएंगे हर जुमे वाले दिन अल्लाह से मुलाकात किया करेंगे। जुमा हमने पढ़ लिया था और जुमा पढ़ते ही भूख लगती है बहुत ज़्यादा, खाना जो है घर में रेडी है। तो आज दिल कर रहा था तंदूर की रोटी पे और मैं रोटियां लेने आया हूँ, रोटियां लेके जाते हैं और खाते हैं खाना। आए हाय हाय, खाने में बना हुआ है जी चिकन कोरमा और मैं खाना खा लूँ, उसके बाद मिलते हैं फिर। हेलो दोस्तों, ये बंदे की शक्ल देखें, ये मेरा दोस्त है और इसको मैंने फ़ोन किया है कि तुम कहाँ पे हो, तो इसने मुझे बताया कि मैं इधर टिब्बे वाली साइड पे ना बिल तकसीम कर रहा हूँ। ये वापडा का बंदा है, इनको बिजली मुकम्मल फ्री है और हमें जो है 300 यूनिट का इस दफ़ा मेरे ख्याल से 25,000-26,000 बिल आएगा। तो इनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी, इनको चाहिए हमें भी, इनको चाहिए कि हमारी भी जो कुंडियाँ शुंडियाँ को थोड़ी सी डलवा दें ताकि हम भी इनकी दोस्ती का कोई फ़ायदा उठा सकें। इसकी शक्ल देखें, कितना मुतमईन हो रहा है कि मेरी तारीफ़ हो रही है। तो जो ऐसे वापडा के मुलाजिम हैं उन सबको बिजली जो है वो बिल्कुल फ्री है, और जो गरीब बंदा है उसको मेरे जैसा उसको बिल जमा करवाना पड़ता है। कितने अफसोस और दुख की बात है ये पाकिस्तान के अंदर। अच्छा ये ना मुझे कहता कि मैं तुम्हें तुम्हारा फेवरेट टीन पैक खिला देता हूँ, मेरी वीडियो ना अपलोड करना। तो अभी गया है वो अंदर, अंदर गया अभी वो लेने के लिए। तो मैंने इसको कह दिया कि मैं तुम्हारी वीडियो नहीं लगाऊंगा, लेकिन इससे टीन पैक भी पी लेते हैं और वीडियो भी अपलोड करेंगे, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि वीडियो मैंने बना ली वो मैं अपलोड ना करूँ। ड्रिंक हमारी यहाँ पे आ चुकी है, ये हम पियेंगे भी और व्लॉग भी अपलोड करेंगे, क्योंकि क्लिप मैं कट नहीं करूँगा इसके अंदर। इस ये क्लिप खुद ही जब देखेगा उसके बाद देखेंगे इसका क्या रिएक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।